खबर है जनपद रामपुर से, जी आपको बता दें कि रामपुर में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को ड्यूटी संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि हम लोग ई रिक्शा चालकों के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक ई रिक्शा के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि यह रिक्शा किस क्षेत्र में जाएगा और उसके पीछे फोन नंबर प्लेट भी लगी होगी, जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो। इसी के साथ उन्होंने बताया कि ई रिक्शा चालकों के कारण शहर क्षेत्र में जाम जैसी स्थिति बनी रहती, लेकिन उसको भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही। आपको बता दें कि SP अशोक शुक्ला ने भी ई रिक्शा चालकों को यूनिफॉर्म देकर वह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ मीडिया से बात करते हुए SP ने कहा कि प्रत्येक पुलिस कर्मी के लिए कार्ड बनवाए जा रहे हैं, जिससे वह अपनी ड्यूटी पूर्ण सुरक्षा के साथ कर सके। इंडिया 24x7 लाइव TV के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। वॉलंटियर हो इसका, उसको हमारी एक जो है जैकेट मिलेगी, जर्सी मिलेगी और एक कार्ड मिलेगा, वो सुरक्षा से अपनी सेवा दे सकता है। जन सामान्य से अपील है, अपना जब भी अपना समय निकाल पाते हैं हमसे बता दें, इसका एक कार्ड लेकर के हमारे जर्सी लेकर के जनता की सेवा में चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक मैनेजमेंट करा सकते हैं।